शुरुआत रूस और यूक्रेन वॉर की खबर के साथ। आज इस युद्ध का छठवां दिन है और अब रूस ने यूक्रेन पर प्रहार तेज कर दिए हैं। जो खबरें यूक्रेन से आ रही हैं उसके मुताबिक आज की रात यूक्रेन पर भारी पड़ सकती है। खारकीव में रूस का मिसाइल अटैक शुरू हो गया है, कई मौतों की आशंका जताई जा रही है। इधर एयर स्ट्राइक के बाद खारकीव शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कीव पर एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें टीवी टावर उड़ा दिया गया है। इसके बाद चैनलों का प्रसारण फिलहाल यूक्रेन में बंद हो गया है। और हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र जी, जिस तरह की बात शुरुआत में हुई कि रूस के सामने यूक्रेन कोई बड़ी ताकत नहीं है, ऐसे में कुछ लोगों ने यह भी कहा, जानकारों ने, कि युद्ध चंद घंटों के भीतर सिमट सकता है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने जवाब दिया, रूस का बौखलाना जाहिर था। और चूंकि रूस एक बड़ी शक्ति है, ऐसे में वो ये नहीं चाहेगा कि युद्ध को बहुत लंबा खींचकर खुद की साख पर भी बट्टा लगाया जाए, लेकिन युद्ध अपने आप में बुरी चीज है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए सुहेल जी, जिस तरह से खारकीव और क्रीव पर घेरा डाला है अब रूस ने, तो वो ये अब निर्णायक एक जंग की तैयारी में है वो। और आप जैसा कि कह रहे थे कि जैसा कि पहले सोचा गया था कि यूक्रेन को कुछ दिनों में ही वो जीत लेगा और इतनी लंबी लड़ाई नहीं खींचेगी, लेकिन देखिए आप अगर ध्यान से कीजिए तो जो खबरें आ रही थी वो पश्चिमी मीडिया की तरफ से आ रही थी, और जो रक्षा विशेषज्ञ जो अंदाजे से जो जो बातें कह रहे थे कि जल्दी युद्ध खत्म होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो रूस बिल्कुल परंपरागत युद्ध के जैसे ही इस लड़ाई को लड़ रहा है। पहले दो दिन उसने एयर स्ट्राइक किए, सारे एयरपोर्ट उसके खराब किए और डिफंक्शन हो गई उसकी एयरफोर्स। उसके बाद उन्होंने मिसाइल से और तोपखाना खोला और कुछ शहरों में और जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे उस पर हमले किए, और अब जो है पांचवें छठवें दिन उसकी फोर्स कल और आज एडवांस कर रही है प्रमुख शहरों की तरफ, खासतौर पर खारकीव और कीव जो कि बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं यूक्रेन के। तो वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज की रात काफी भयानक हो सकती है खासतौर से कीव के लिए, क्योंकि फोर्स वहां अंदर दाखिल हो सकती है और खासतौर से जो बड़े जो पावर पॉइंट है, खासतौर से मंत्रालय है, उनके एस्टेब्लिशमेंट है जो आर्मी से संबंधित, उन पर कब्जा कर सकती है। और जहां तक आज दूसरे डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूरोप की तरफ से यूक्रेन की तरफ को मॉरल सपोर्ट तो मिला ही, उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक ये भी हुआ कि यूरोपियन संघ ने मंजूरी दी है कि यूक्रेन को यूरोपियन संघ में शामिल किया जा सकता है, तो ये भी एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा है यूक्रेन के लिए। और जिस तरह से अमेरिका ने आज लिबर्टी यूनिटी ऑफ लिबर्टी पर जिस तरह से यूक्रेन के फ्लैग को लपेटा, तो उसका समर्थन तो मॉरली बहुत मिल रहा है यूक्रेन को। और ये लड़ाई अब देखिए सोहेल, जो तीसरे विश्व युद्ध की बात हम कर रहे हैं ये तो हालांकि दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह से एक एकजुटता हो रही दुनिया, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जिस तरह से एकजुट हुए हैं यूक्रेन के पक्ष में, वो रूस के लिए चिंता का विषय है। और वो निश्चित रूप से आज या कल वो जो अपना गोल है वो पाने की कोशिश करेगा, खासतौर से अगर कीव में और खारकीव में कब्जा कर लेता है। और यहाँ एक सबसे बड़ी जो की पॉइंट है वो है खासतौर से जेलेंस्की का जो अप्रोच है इस जंग को लेकर, उसी ने ये अंतर पैदा किया है। रूस को लगा होगा कि दो तीन दिन के अंदर में जेलेंस्की कीव को छोड़ देंगे और जो अपनी समर्थित नेताओं की एक फौज सरकार वो यूक्रेन में बिठा सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं। तो जेलेंस्की ने जो सारा जो युद्ध जो जैसा शुरू में लग रहा था और उसमें जो आज जो लग रहा है उसका सारा अंतर जो है उसमें, तो ये उसके लिए श्रेय मेरे ख्याल से जेलेंस्की को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कीव को छोड़ा नहीं है अभी तक। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल आज की रात भारी पड़ सकती है यूक्रेन के ऊपर, इस तरह का अंदाज लगाया जा रहा है, यानी यूक्रेन पर रूस आज रात कहर बरपा सकता है। रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें छनकर आ रही हैं, युद्ध को बहुत ज्यादा लंबे समय तक खींचना नहीं चाहता, क्योंकि जितने दिन तक युद्ध चल रहा है लगातार यूरोपियन देशों का सपोर्ट यूक्रेन को मिलता जा रहा है, ऐसे में रूस इस युद्ध को जल्द समाप्त कर यूक्रेन पर कब्जा जमाना चाहेगा। हालांकि हालात इतने आसान भी नहीं है जितने नजर आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और हमले यूक्रेन के ऊपर हो रहे हैं। कई शहरों के बेहद नजदीक रूसी सेना पहुंच गई है, शहरों के ऊपर बमबारी और गोलीबारी भी जारी है,
कई नागरिकों के, आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अब ये लड़ाई किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है और आज रात रूस कोई बड़ा हमला यूक्रेन पर एक साथ बोल सकता है।